अरे चुन्नू भाई, मैं भी खेलूंगा आपके साथ। मैं सच्ची में बहुत प्रो लड़का, मैं बहुत मारता हूँ। डिशुम डिशुम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे हमारे पास सीजन 3 सीजन 1 है, वैसे ही हमारा गेम प्ले भी है पुराना एकदम बढ़िया। तेरी तरह गंजे नहीं हम, काला एकदम कलुआ एडम। तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real. जैसे नुबड़ों को ना मैं रोज ट्रेनिंग मोड में मारती हूँ, तुम्हारे पीछे को सारे को पिछवाड़ा सज जाएगा। निकलो यहाँ से आप। हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस एक चीज आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आप सभी को सीजन 1 वाला बंदा मिले यानी सकुरा बंडल वाला, बट बाय डिफॉल्ट वो आपका फैन हो जाए, बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई सीन हो जाए जिसकी वजह से वो आपका फैन हो जाए, तो आपको कैसा फील होगा, आपका क्या रिएक्शन आएगा, ये कमेंट में जरूर बताना। सो गाइस, ऐसा ही सीन कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ था। एक्चुअल में जो सीजन 1 वाला बंदा है उसके साथ कुछ दिन पहले मेरा क्लैश हो गया था। और भाई जब मेरे साथ कलुआ एडम होता है तो आप सभी को आई थिंक पता है बहुत ही अच्छे से, सीजन 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी आएगा पेला जाएगा, क्योंकि कलुआ एडम बहुत ही खतरनाक एंड डेंजरस प्लेयर है यार। आप सभी अच्छे से उसे पहचान चुके हो। तो गाइस उसके साथ क्लैश हुआ और वो पेला गया, उसके बाद मेरा फैन हो गया। एंड गाइस फिर सीजन 1 वाले बंदे ने अपना मुंह खोला और बोलने लगा कि भाई आप कलुआ एडम हो फिर भी इतना खतरनाक खेलते हो, मतलब क्या ही नेक्स्ट लेवल आपका गेम प्ले है। फिर गाइस हमारा कलुआ एडम बोला डोंट अंडरएस्टिमेट कलुआ एडम पावर। देन सडनली गाइस सीजन 1 वाला बंदा सदमे में चला गया और सदमे उसने रिक्वेस्ट भेज दिया, तो मैंने यार फटाक से उसका एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भाई सीजन 1 है भाई, खतरनाक दिखता है सीजन 1 सकुरा बंडल, आई लाइक इट। बट गाइस कल उसने मुझे सडनली ऐड किया और फिर बोलने लगा कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में दो बंदे, इवन बहुत सारे बंदे हैं, बट दो बंदे हैं जो बहुत ही एटीट्यूड में रहते हैं एंड बाय डिफॉल्ट आप उन्हें हरा भी दोगे फिर भी वो हार नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्या है, ऐसे तो बहुत सारे बंदे मुझे मिले, उन्हें जाने दो। तो कह रहा मैंने उनके साथ फाइट लिया और फिर वो हार गए थे मुझसे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, मुझे पता नहीं उल्टा सीधा क्या क्या बोला। और भाई आप तो कलुआ एडम के साथ इतनी खतरनाक मूवमेंट के साथ गेम प्ले करते हो, तो प्लीज यार उन लोगों को पेल दो, मेरी भी इज्जत रह जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो बुलाओ, मुझे इनवाइट कर लो, फिर मैं देखता हूँ कौन है। तो उसने यार पूरा डिटेल नहीं बताया था मुझे कौन कैसे बंदे हैं, बट मैं सडनली ग्रुप में घुस गया और भाई जब घुसा तो मैंने क्या देखा वो आप सभी अभी देख लेना। बट गाइस मैंने पहले से प्लान कर लिया था कि मुझे वहां पे क्या करना है, मैं बच्चे की वॉइस में बोलूंगा क्योंकि मुझे मजे लेने थे इन लोगों से, फिर मैं इनको औकात दिखाऊंगा, फिर देखते हैं ये हार मानते हैं या नहीं या क्या बोलेंगे, वो तो बाद में ही पता चलेगा। हेलो गाइस, क्या आप रेडी हो मेरे साथ लूडो गेम खेलने के लिए? तो डाउनलोड करो प्ले स्पॉट ऐप और हो जाए एक एक लूडो गेम, जहां मुझे चैलेंज करके आप जीत सकते हो 50 लाख डेली। सो गाइस प्ले स्पॉट एक ऐसा ऐप है जहां पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। एक तो मेरा फेवरेट लूडो है, बट उसके साथ साथ और भी गेम्स हैं जैसे स्नैक्स एंड लैडर्स एंड शिप फाइट और हॉजी, क्विज, चेस एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स। तो अब आप भी अपने प्ले स्पॉट पर रोज फेवरेट गेम खेलकर जीत सकते हो 50 लाख। सो अब घर पे बोर मत हो और दिखाओ अपना लूडो गेमिंग स्किल ऑन प्ले स्पॉट और जीतो लाखों में। मैं क्यों, प्ले स्पॉट है 100% सिक्योर ऐप, पेटीएम विड्रॉल के लिए केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं है एंड आप बैंक एंड पेटीएम से दोनों से विड्रॉ कर सकते हैं। एंड गाइस 5 मिलियन से ज्यादा यूजर्स रोज घर बैठे इस ऐप से जीत रहे हैं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड को चैलेंज करके बन रहे हैं लखपति। शो विनर्स एंड स्लाइड एन अमाउंट ऑन। अब जल्दी से आप डाउनलोड कर लो एंड यूज करो मेरा रेफरल कोड प्लेस 200, जिससे आपको मिलेगा 200 का शाइंग अप बोनस, जिसे आप यूज कर सकते हैं प्ले स्पॉट पर कोई भी गेम खेलने के लिए। तो दिखाओ अपना गेमिंग स्किल ऑन प्ले स्पॉट ऐप एंड जीतो लैक्स। डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाओ फटाफट डाउनलोड कर लो। तो चलिए गाइस ग्रुप में चलते हैं, यहाँ पे हैंडसम हंग भाई का रिक्वेस्ट आ रहा है। अले मैया सीजन 3 ओ भाई कितना खतरनाक दिखला है। अरे ये कौन है, किसने ऐड किया इसको यहाँ पर? अले अरे भैया सुनो तो प्रो, भाई क्या नाम है, आयरन मैन। ओ भाई लेकिन आयरन मैन तो मर गया। यार कौन है यार? अरे 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 सुनो तो प्रो भाई, लेवल 3 वाले, ओ सॉरी सॉरी सीजन 3 वाले। मैं एडम कलुआ एडम, बहुत प्रो हूँ मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ भाई।
पका रहा है। अरे भाई टेबल तो देखो इसका यार। अरे ठीक है निकाल देना, पहले की स्क्रीनशॉट ले लूं, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। तुम यहाँ से जाओ। अरे भाई सुनो तो भाई ये गंदी मैडम बहुत गंदी है आपकी। अरे भाई ये किसने निकाल दिया यार? कुछ भी ये तो गंदे लोग है। चलो चलो फिर से चलते हैं। अरे भाई क्यों निकाल रहे हो? अरे सुनो रुको जरा सबर करो। अरे सुनो भाई मैं भी खेलूंगा आपके साथ, मैं सच्ची में बहुत प्रो लड़का हूँ, मैं बहुत मारता हूँ। दीशुम अरे अच्छा तुम्हारा तुम अपना लेवल देखो जरा। अरे मैडम जी मैंने लेवल देख किया है, मेरा 5 लेवल है, इसलिए क्योंकि आपकी भी औकात 5 लेवल की है। कर रहे हैं यार हम ग्रैंड मास्टर में, कहा तुम ब्रॉन्ज में। ओ भाई आई नो आप ग्रैंड मास्टर में प्रो भाई, लेकिन आपने आयरन मैन नाम क्यों रखा है? आयरन मैन तो टपक गया। वे नहीं मिर्ची भाई मेरा फेवरेट हीरो है वो। जी वो कुछ भी रख सकते हैं, तुमने क्यों रखा है? अरे अरे ऐसा नाम। अरे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे कोई लड़की नहीं मिली, तो मैं आपको सोच रहा हूँ पटा लूं। ये जो तुम्हारा मुंह है ना, ये तुम्हारा मुंह देखकर ना कोई मिलेगी भी नहीं। गजब बेइज्जती है। अरे अरे मैं सच्ची में मेरा मुंह बहुत चिकना है, लेकिन थोड़ा सा काला है बट चिकना बहुत। एक बार हाथ लगा के देखो, हाथ नीचे लेकर जाएगा। अरे अरे यार फिर से निकाल दिया, चिपका दिया। रुको रुको गाय। अरे भाई क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई सुनो एक मिनट सुन तो लो, सच्ची में आप एकदम आयरन मैन की तरह दिख रहे हो, आपका मैं बहुत बड़ा फैन बन गया। आपकी क्या ही ड्रेस ओपी है, और भाई सीजन 1 भी आपके साथ है, कितनी अच्छी बात है भाई। अरे तेरी औकात नहीं है यहाँ पर रहने की, इस लॉबी में आने की तेरी औकात नहीं है, निकल यहाँ से भाई। अरे अरे सुनो ना भाई, आप मेरे साथ एक गेम खेल लो, मैं भी खेलूंगा तो अपने दोस्तों को दिखा दूंगा कि भाई मेरे साथ सीजन 1 शकुरा बंडल और सीजन 3 और मेरी गर्लफ्रेंड साथ में खेल रही थी। अरे देख भाई हमारा रैंक माइनस हो जाएगा। अरे यहाँ से जाओ, रैंक पुश कर रहे हैं तो तुम यहाँ से चले जाओ, हम किसी और को ऐड करने। अच्छा ठीक है मैडम जी, मैं चला जाऊंगा पक्का, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं अभी चला जाता हूँ। मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ले लो, आप दोनों ले लो। अरे बनाने की तो दूर की बात है। अरे मैडम जी आप सुनो तो, आप ट्रेनिंग मोड में मारती होगी, रियल लाइफ में नहीं मार सकती। कलू आइटम आप इसे जानती नहीं, इसीलिए बोल रही हूँ मार दूंगी। अगर इसने मारा तो कोई कपड़े भी नहीं है, कुछ नहीं है तेरे पास। अरे भाई अरे सुनो तो भाई, फिर आप अपने कपड़े मुझे उतार के दे दो, आप नंगे हो जाओ यहीं पे। अरे क्या बकवास कर रहा है यार ये। अरे 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 भाई अरे भैया फिर से निकाल दिया। रुको रुको इस बार आगे आगे रिक्वेस्ट। अरे सुनो क्या नाम है सीजन 3 वाले भैया, आप मुझे अपनी ड्रेस दे दो, ये जो गंदी सी शक्ल पे अपना गंदा सा मास्क लगा रखा है ये मुझे दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। दो में से आप लोग गंदी शक्ल हो गई यार लोबड़ा। अरे अरे आपकी पैंट देखो, उसमें कांटे निकले हुए हैं, कोई बात नहीं आपने अंदर ले लेना वो। अरे अरे मैडम जी ऐसी बात ना बोलो, मैं बहुत नुनु बच्चा हूँ, मैं रोने लगूंगा। पैदा होते ही मोबाइल मिल गया क्या? अरे अरे मेरी मम्मी ने दिला दिया, मेरी मम्मी बहुत ही करोड़पति है, अंबानी की वाइफ को आप जानती नहीं, वही है मेरी मम्मी। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे तुम अपना लेवल देखो, तुम्हारा लेवल करा दोगे यार, तुम्हें पता नहीं ग्रैंड मास्टर में 100-100 माइनस होती है। अरे अरे 100 माइनस होती है कोई बात नहीं, मैं एक बार में 100 प्लस कर देता हूँ हैक लगा के। अरे तो आईडी बैन करवाएगा हमारी? अरे नहीं नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी आईडी बैन हो जाए, जिससे कि तुम भी कलुआ एडम बन जाओ। निकालो इस पर। अरे 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 मैडम जी ऐसे क्यों बोलो? अरे भैया फिर से निकाल दिया, नहीं छोड़ूंगा इसको। रुको रुको हाँ रुको 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 अरे
हेलो अले अले भाई सुनो, एक बात बोलूं, अगर इतना ही फुदक रहे हो तो आके कस्टम कर लो, रैंक नहीं खेलना मेरे साथ तो आके 1 vs 2 कर लो, 1 vs 3 कर लो, देख लेते हैं कितने प्रो। अभी तो ये बच्चा था यार, एक कौन गधा आ गया। हाँ वही तो, अभी तो ये 4 साल का बच्चा था, दूध पीता, अचानक से इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया। अरे मैडम जी, अरे सुनो मैं नुबड़ा नहीं हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ फास्ट फॉरवर्डिंग एक्चुअली में चलता है, तो मैं बहुत स्पीड से बड़ा हो गया हूँ। तो अगर आप लोग सुनो आप अपनी रेयर ड्रेस का, अपनी रेयरनेस का ज्यादा फायदा उठा रहे हो, तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा गेम प्ले देख लूँ कितने प्रो हो, क्योंकि ड्रेस से तो आजकल लोग बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन मुझे गेम प्ले उनका टट्टी निकलता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आके देख लूँ कि तुम्हारा गेम प्ले कैसा है। और भाई इतने प्रो हो, ग्रैंड मास्टर में हो, तो मुझे नहीं लग रहा यार, तुम तो कैंपर होगे पक्का। अरे हमारे पास सीजन 3 सीजन 1 है, वैसे ही हमारा गेम प्ले भी है पुराना एकदम बढ़िया, तेरी तरह गंजे नहीं हम, काला एकदम कलुआ एकदम। अरे 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 एक मिनट रुको, भगाओ मत यार, इतनी देर से तो तुम लोग किक ही कर रहे थे, ठीक है, अब ज्यादा मत उड़ो, थोड़ा मतलब जमीन पे रह लो, ठीक है, ज्यादा ड्रेस की वजह से प्रो मत बनो, अगर इतनी प्रोनेस है तो आके गेम प्ले में दिखा दो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ 1v2 का, तुम दोनों आ जाओ, ठीक है। तेरे जैसे बंदे हमारी लॉबी में भी नहीं आते, बड़े के साथ हम खेलेंगे ना तो हमारी इमेज खराब होगी, तो निकल यहाँ से भाई। अरे ठीक है, मैं समझ गया, मेरी बेइज्जती बहुत सारी हुई, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी, बट मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक बार खेल के देखो, तुम्हारी इमेज खराब होने की बजाय बन जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा किसके साथ तुमने खेला है। होगा कि हमने एक नोबड़े टकले एडम के साथ खेला है। ओहो, एक बात बताऊं, तेरी औकात ना हमारी लॉबी में आने की भी नहीं, तू कस्टम खेलेगा हमारे साथ। ओ अरे तो वही तो बोल रहा हूँ, तुम्हारी लॉबी में आने की औकात नहीं हो, मैं तुम्हें चैलेंज कर दिया, ये तो चैलेंजिंग वाली बात हो गई, लेकिन मुझे लग रहा तुम लोग नूबड़े हो, तभी तो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, डरपोक हो एक नंबर के। बस हम डर गए। आ जा तू, बना कस्टम। बनाऊं इसके साथ कस्टम खेलोगे सीरियसली तुम दोनों? चलो खेलते हैं, इसकी भी हवा निकाल देंगे इसके साथ, इसको तो मैं अपने मुक्के से मारोगे क्या? फिस्ट से मार दूं टकले को। हाँ तो ठीक है, आ जाओ मैं भी देख लेता हूँ फिस्ट कैसे चलता है तुम्हारा, मैं भी देख लूंगा। अरे अरे ठीक है चल बना, आ जाओ दोनों आ जाओ, अभी सुधार देते हैं। हाँ आज पता चल जाएगा, चिंता मत करो, भी पता चल जाएगा। ज्यादा बोल रही लड़की। चलो गाइस फटाफट कस्टम बनाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। 8:01 PM गाइस एग्जैक्टली मैं जब ग्रुप में गया, भाई ये बंदे कैसे थे मुझे समझ में नहीं आया। और गाइस वो सीजन 3 ग्रैंड मास्टर प्लेयर था, और उसके साथ वो लड़की डायमंड 4 में मतलब क्या ही हग रही थी, मतलब ऐसे बोल रही थी नहीं 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 नहीं। और गाइस जो लड़कियां हैं इनका तो अलग लेवल का नशा होता है, मतलब जो मुंह में आएगा वहीं पे हग देंगी, थोड़ा सा भी वेट नहीं करेंगे कि भाई बंदे को पहले समझ लेते हैं कौन क्या है, लेकिन नहीं, अपना पूरा एटीट्यूड दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ग्रैंड मास्टर प्लेयर के साथ हैं, हम सीजन 1 के साथ हैं, हम सीजन 3 के साथ हैं। एग्जैक्टली गाइस जब ऐसे लोग मिलते हैं ना तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट बाय डिफॉल्ट मुझे बदला लेना था सीजन 1 वाले भैया के लिए, और वो मेरे फैन भी हो चुके थे, तो मैंने कूल डाउन किया और मैंने बोला आराम से काम करते हैं, इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि भाई ये कलुआ एडम खतरनाक वाला एडम है, वरना ये लोग तो डर के मारे मम्मी की गोदी में जाके छुप जाते, बट मैंने पता नहीं चलने दिया। देन फाइनली गाइस ये लोग कस्टम के लिए रेडी हो चुके हैं एंड यहाँ पे लोग आ भी चुके हैं, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और इनसे पहले राउंड में मजे लेंगे, फिर इनकी औकात दिखाएंगे। सो गाइस यहाँ पे मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है एंड मैंने यहाँ पे ले लिया है फॉर्मस, क्योंकि इन लोगों को बॉट बन के दिखाना है, और भाई फर्स्ट राउंड में ऐसे मजा लेंगे कि इन लोगों को लगना चाहिए कि मैं कलुआ एडम नूब हूँ, मतलब एकदम बॉट ही हूँ यार, कुछ आता वाता है नहीं मुझे। तो चलिए गाइस चलते हैं, बॉट बन के चलूंगा और इन लोगों को अपनी मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे देख रहे हो सीजन 3 वाला कितनी स्पीड से दौड़ के आ रहा है, भाई पंच से मार रहा है, ओ भाई मार गया, पैसा बर्बाद पहन, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा हमको सिखा दिया है, फर्स्ट ब्लड, कोई नहीं गाइस उसने मार दिया था पंच से, बट अब बदला लेने का टाइम आ चुका है हमारे फैन वाले भैया के लिए, ने सीजन 1 के लिए और खुद के लिए, क्योंकि इन लोगों ने कलुआ एडम की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की। और आप सभी को पता होगा जो कलुआ एडम की रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी हम धुलाई निर्मा से करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं ऐसे कि वो साफ सुथरा होकर ही निकलते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं और इनकी धुलाई शुरू करते हैं। My mind is breathing in. Freak out.
saturated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighs the person you are. Oh. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. Habit.
up, my mind is breathing in. Freak out, I've got to see. जब देखा ऊँ करते रहता थे. My life holding all of me closely. I played it in a sense. A feel of discontent. I'm finally facing it all. Harmony, harmony. Harmony, I'm on earth to chop chop. सबर करो बाय बाय टाटा गुड बाय गया म्यूजिक तो गाइस यहाँ पे मैं 6 सीरीज से मैच जीत चुका हूँ और गाइस बिलीव नहीं हो रहा कि मैं 6 सीरीज से मैच जीत चुका हूँ इन लोगों से, क्योंकि गाइस फर्स्ट राउंड में मुझे पता नहीं चला था क्योंकि उसने पंच से मुझे मार दिया था और भाई उसके बाद क्या ही प्रो पंती थी, मतलब छुप छुप के खेलना और पीछे आगे दाएं बाएं हर तरफ से पेलम पेल किए जा रहे थे, मतलब लड़की तो खतरनाक वन टैप दे रही थी यार, एकदम डेडली लड़की थी, जैसे बोला वैसे ही कर रही थी। बट गाइस कलुआ एडम भी पीछे नहीं हटा, उसने ऐसे वन टैप मारे ऐसे वन टैप मारे कि इनका गेम ही खत्म हो गया, ये शर्म से डूब चुके होंगे आई थिंक अब। तो चलिए गाइस फटाफट ग्रुप में चलते हैं और देखते हैं कि ये लोग अब क्या बोलते हैं। मतलब ऐसे कौन, मतलब एक हैकर ही मार सकता है, बड़ा सारे हेड थोड़ी मारता कोई, क्या? ओहो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हैकर समझ लिया, अभी तो नूबड़ा था मैं, कलुआ था, खेलेगा तो जीतेगा ही ना। ओ भाई मतलब एक मिनट हारने की इंसर्ट बर्दाश्त नहीं हुई, मतलब पहले भी इंसर्ट करना पहले भी हगना है मुंह से और उसके बाद जब हार जाओ तब भी हगना ही है। तेरी आईडी बैन करवा देंगे हम। ओ भाई आईडी बैन करवा दोगे? आईडी बैन करवा के क्या करोगे पागल, इसका लेवल देखो ये हैकर ही है। मतलब एक मिनट, तुम लोग कसम खा के बैठे हो कि अगर गेम हार जाएं तो तब भी हार नहीं मानेंगे, उल्टा उसी की बेइज्जती करेंगे कि भाई तू हैकर है, हैकर बना दिया मुझे। पांच लेवल की आईडी से और इतने मतलब बड़े बड़े प्रो बंदों को कौन कैसे हराएगा भाई, तू नूबड़ा है, तू हैकर है। सच बता रहा हूँ बहुत मूड खराब हो रहा, तौबा तौबा दोनों के दोनों बहुत ही मनहूस लग रहे हो, निकल जा रहा हूँ मैं, वरना सच बता रहा हूँ अगर मैंने ग्रुप बनाया होता ना कुत्ते की तरह किक करता, दिमाग खराब हो गया यार, ऐसे लोग पता नहीं कहां से मिल जाते, गेम हरा दो फिर बकवास कर रहा है। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।